तो अगर मैं आप लोगों को ये कहूँ कि आपको अपने वीडियो को व्हाट्सएप पर फेसबुक पर शेयर नहीं करना है तो आपको कैसा लगेगा? मैं जितने भी वीडियो अपलोड करता हूँ अपने चैनल पर मैं कहीं पर शेयर नहीं करता हूँ। रीजन्स चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं अपने वीडियो को शेयर क्यों नहीं करता हूँ। सबसे पहला जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं तो कभी शेयर नहीं करता हूँ, कोई कोई वीडियो शेयर कर देता हूँ। चलिए मैं एनालाइज जो किया हूँ वो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों मान लीजिए आप कोई वीडियो, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या तो आप कोई एजुकेशन से संबंधित वीडियो बनाते हैं और आप फेसबुक पर शेयर कर देते हैं तो उस वीडियो के अंदर होता है क्या? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फेसबुक पर व्हाट्सएप पर आप शेयर कर देते हैं तो जो भी बंदा को वो वीडियो आपका नज़र आता है, जिसने आपको जिसको शेयर किया है, तो वो करता क्या, उसके क्लिक करता है और आप जो चीज़ बताए हो रहे थे उसको समझ में नहीं आता है तो क्या करता है कि आपके वीडियो को क्लिक करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है, पूरा वह नहीं देखता है। तो ऐसे में आपके वीडियो का जो वॉच टाइम है वो पूरा नीचे गिर जाता है। यानी कि आप मान लीजिए अगर आप फेसबुक पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए और अगर आपका वीडियो किसी बंदे को नज़र तो आएगा, जिसको आप शेयर किए उसको नज़र आ जाएगा, अब होता क्या, चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ अंदर की जो मैंने एनालाइज किया है। दोस्तों वो बंदा आपके वीडियो को क्लिक करता है और अगर आप एजुकेशन वीडियो बनाते हैं, टेक्नोलॉजी के वीडियो बनाते हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि आप क्या बता रहे हैं। सभी लोग एजुकेशन में नहीं होते यार, सभी लोग शिक्षित नहीं होते हैं। इंडिया में आज बहुत सारे लोग अशिक्षित हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं आता है, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन सीखना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ कॉमेडी वीडियो देखना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी बंदे को शेयर करते हो, क्लिक करता है और आप क्या वीडियो में बता रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आता है तो बंदा क्या करता है, आपके वीडियो को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। तो ऐसे में आपका वीडियो का वॉच टाइम पूरा नीचे गिर जाता है। और आप सब और हम सब सभी जानते हैं कि YouTube उन्हीं वीडियो को रिकमेंडेड में भेजता है, ब्राउज फीचर में भेजता है, जिसका वॉच टाइम अच्छा रहता है। अगर आपके वीडियो का वॉच टाइम ठीक नहीं रहेगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन ठीक नहीं रहेगा, तो YouTube कभी भी आपका वीडियो को ना तो सजेशन में भेजेगा, ना तो किसी के रिकमेंडेड में भेजेगा, ना तो ही ब्राउज फीचर में भेजेगा। इसका एक ही कारण है कि अपने वीडियो को शेयर नहीं करना है। चलिए मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो एजुकेशन का वीडियो बनाते हैं, ट्रेक का वीडियो बनाते हैं, मैं उन लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ जो न्यूज़ का वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी का वीडियो बनाते हैं। अगर आप इस तरह का वीडियो बनाते हैं तो बेशक जहाँ हो सके सारे सोशल पे आप शेयर कर दीजिए, बेशक शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी बंदा आपके वीडियो को क्लिक करेगा तो पूरा देखेगा, क्योंकि उसको एंटरटेनमेंट लगेगा, अच्छा लगेगा, तो न्यूज़ वाले देख लेते हैं, न्यूज़ वाला वीडियो चलता है सोशल साइट पे, न्यूज़ वाला आपने देखा भी होगा। और मैं आप लोगों को बताना, कॉमेडी वीडियो भी सोशल साइट पे चलता है, व्हाट्सएप फेसबुक पर ज़्यादातर सोशल साइट ही। आपने कभी व्हाट्सएप पर देखा है कि कोई एजुकेशन वाला वीडियो वायरल हुआ? नहीं, या तो फनी वीडियो होता है या तो आप कह लीजिए न्यूज़ वाला वीडियो होता है, जो लोगों को कुछ डिफरेंस लगे उस तरह का वीडियो होता है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि एजुकेशन वाला वीडियो हो गया या तो फिर आप टेक वाला वीडियो। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो कभी भी वायरल नहीं होता है सोशल साइट पे। तो दोस्तों एक ही चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हो सके तो अगर आप टेक के वीडियो बनाते हैं, मेरे जैसा आप वीडियो बनाते हैं, तो कभी भी शेयर मत कीजिए या जाए कि मैं करता हूँ या नहीं। तो मैं जानता हूँ कि जो वीडियो मैं दिमाग लड़ा लेता हूँ कि अगर ये वीडियो कोई भी देखेगा, ऐसे तो मैं ज़्यादातर कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता हूँ, ना व्हाट्सएप तो मैं कभी भी नहीं करता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैंने सारे नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वीडियो देखेगा, क्योंकि जो चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आप लोग को समझ में आता है लेकिन मेरे आसपास वाले लोगों को, मेरे रिश्तेदार को समझ में नहीं आता है। इतना तक YouTube से पैसा बनता है ये भी समझ में नहीं आता है, तो लोग क्यों देखेंगे YouTube की चिप्स वाले वीडियो, क्यों मैं शेयर करूँ व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पर? क्लिक करेगा समझ में नहीं आएगा, स्काइप कर देगा यार, वॉच टाइम ख़राब हो जाएगा। आज आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीडियो बनाना है और अपलोड करना है, वीडियो बनाना है अपलोड करना है। इसमें आपको पैसा लगता है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कमेंट में लिखिए, अगर लगता है तो हाँ लिखिए, नहीं लगता है तो ना लिखिए। क्योंकि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं अपलोड कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यूँ सोच लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो पहले से ज्वाइन हो रखे थे, इसीलिए आने वाले दिनों में 5G आ रहा है, जितना 4G का लोग जुड़े हैं उससे ज़्यादा 5G में जुड़ेंगे, तो उस टाइम तो आपका ट्रेंडिंग चलेगा। अगर आप अपने चैनल पर अभी वीडियो अपलोड करके रखे हुए रहेंगे तो कौन सा वीडियो कब वायरल हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता है, यहाँ तक कि YouTube भी नहीं बता सकता है, उसका मशीनी सिस्टम किया गया है कि कौन सा एल्गोरिथम, कौन सा आपका वीडियो कब वायरल हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है। आप वीडियो डालते रहिए, कभी ना कभी एक वीडियो आपका वायरल हो जाएगा,
उसी टॉपिक्स पर आपको सारा वीडियो डाल देना है। अब आप कहोगे कि आप क्यों नहीं डालते हैं एक टॉपिक्स पर, कभी नेटवर्क मार्केटिंग में बता देते हैं, कभी पेनियर बाइक के बारे में बता देते हैं, कभी यूट्यूब टिप्स देते हैं। चलिए मैं इसका रीजन भी बताता हूँ। मेरा चैनल अभी सब्सक्राइबर के मामले में नया है। जब मेरा अच्छा खासा सब्सक्राइबर हो जाएगा तो मैं यानी कि एक ही टॉपिक्स पकड़ लूँगा, लेकिन मैं अभी मिक्स कंटेंट डालूँगा। जितना हो सके 2-4-5 हज़ार वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। 2019 में मैं तो पूरा पागल होने वाला हूँ वीडियो के अपलोड करने के मामले में, तो बस आपको भी पागल।